जयकारा लालां वाले पीर दा, बोल सच्चे दरबार की जय। प्यारी साध संगत जी, बडाले दी चौंकी तो बाद अगली चौंकी जडियाले दी आ, जो कि जिला जलंधर विच नकोदर दे लागे आ। आओ आपां लालां वाले पीर दी चौंकी दे दर्शन करिए। प्यारी साध संगत जी, ये दरबार जडियाले विच स्थित है, जिथे चौंकियां दा मेला लगदा। इस दरबार दे लागे ही ये मेला लगदा ते गढ़ शंकर वाले बाबा जी भी इस दरबार दे लागे ही बहिंदे हन। प्यारी साध संगत जी, ये मेला भी बहुत ज़्यादा भर जाता। लालां वाले पीर दियां संगतां हुम हुमा के इस मेले विच पहुँचदियां हन ते लालां वाले पीर दे दर्शन करदियां हन। प्यारी साध संगत जी, 1947 विच भारत ते पाकिस्तान दी वंड तों बाद ये मेला बंद हो गया सी, ते उस तों बाद लालां वाले पीर ने लाहौरी राम जी दे, जो कि जडियाले पिंड विच रहिंदे सन, उन्हां दे सुपने विच आ के ये मेला दोबारा शुरू कराने लई कहा सी। ते उन्हां दी अणथक मेहनत ते गढ़ शंकर वाले बाबा जी दे सहयोग नाल ये मेला दोबारा शुरू होया सी। ते ये मेला पहला हिंदुस्तान पंजाब विच लगदा, जिहड़ा कि मुकंदपुर तों चौंकियां स्टार्ट हो के राजा ताल पाकिस्तान बार्डर तक जांदा, ते उस तों बाद ये मेला पाकिस्तान विच शुरू हो जांदा, जो कि सखी सरवर पिंड जिथे लाला वाले पीर दी असल दरगाह शरीफ आ, उत्थे इस मेले दा आखिरी सलाम हुंदा है। ते उदों तों ही गढ़ शंकर तों बाबा जी इसे तरह संघ लै के आउंदे हन ते लाला वाले पीर दियां संगतां दी सेवा करदे हन। इस चौंकी विच जडियाले विच रहण वाले लालां वाले पीर जी दे सेवक गढ़ शंकर वाले बाबा जी नूं लंगर दा सद्दा दिंदे हन, ते गढ़ शंकर वाले बाबा जी लालां वाले पीर दे निशान नूं नाल लै के लंगर दा मत्था टेकाउण जांदे हन, ते संगतां उत्थे लंगर छकदियां हन। जिस गली विचों हुण गढ़ शंकर वाले बाबा जी लंघ रहे आ, इसे गली विच चौंकियां दा मेला इस पिंड लगदा आ। ते ये मेला इन्ना ज़्यादा भर जाता कि तेल सुट्टण नूं थां नहीं मिलती है। जिस घर विच लंगर का मत्था टकाया जाना, उस घर विच गढ़ शंकर वाले बाबा जी पहुँच चुके आ। ये दरबार जो तुसी देख रहे हैं, इस दरबार नूं बनाउण विच लालां वाले पीर जी ने एक कौतक रचिया। उन्होंने बाबा लाहौरी राम जी दे सुपने विच आ के कहा सी कि तू मेरा इत्थे एक दरबार बना, ते बाबा लाहौरी राम जी ने कहा सी कि बाबा जी मेरे कोल तां इन्ने पैसे भी नहीं आ, मैं ये दरबार किदा बनावांगा। तां लालां वाले पीर ने कहा सी कि तू गढ़ शंकर बाबा उत्तम चंद कोल चला जा, वह दरबार बनाउण विच तेरी सहायता करनगे। ते सुपने विच ही लालां वाले पीर ने जिथे बाबा उत्तम चंद जी रहिंदे सन वह गलियां भी दिखा दित्तियां सन, ते बाबा लाहौरी राम जी गढ़ शंकर पहुँच गए, बाबा उत्तम चंद जी नूं मिले, ते बाबा उत्तम चंद जी ने बिना उन्हां दे मूँह चों कुछ कहां ही उन्हां नूं दरबार बनाउण लई माया दित्ती ते इस दरबार की उसारी करवाई सी। ये जो मुंडा गढ़ शंकर वाले बाबा जी के सामने बैठा, ये बाबा लाहौरी राम जी के परिवार विचों आ। उपरांत गढ़ शंकर वाले बाबा जी लंगर का मत्था टकाउंदे हन। लाला वाला पीरा मेहरबानी करी बाबा नगैया बाबा उत्तम चंद बाबा गुरुदेव चंद पीर बादशाह गुरु महाराज पहरा रखी अंग संग ने कक्की चला की। लंगर छकण तो बाद लालां वाले पीर जी की कृपा नाल होए पुत्रां दियां शेखा भराइयां कोलों संगतां अपने बच्चियां नूं लोरियां दवांदियां हन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਬਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੌਂਕੀ ਬਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।